हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी भर्ती के ऊपर बात करने वाला हूँ। भारतीय तटरक्षक नेवी जीडी के अकॉर्डिंग भर्ती निकली है। 2020 की काफ़ी अच्छी भर्ती निकल के सामने आ चुकी है। अगर दोस्तों आपने अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं देखा तो देख लीजिए और इसके बारे में जान लीजिए कैसे करना होगा आवेदन और कब से आवेदन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, ये 4 जनवरी को पब्लिक ही शाम 5 बजे नोटिफिकेशन जारी हो चुका था। ये ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड का हाल ही में भर्ती निकाली गई है। जीडी के अनुसार 2020 की काफ़ी अच्छी भर्ती होने के बावजूद कई स्टूडेंटों को आमंत्रित किया गया इन भर्तियों के लिए। तो दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट इसमें आवेदन कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ऑल इंडियन भर्ती होगी, भारत का कोई भी स्टूडेंट इसमें आवेदन कर सकता है। साथ ही महिला और पुरुष दोनों स्टूडेंट इसमें आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार आवेदन करने के लिए आपको उसके ऑनलाइन वेबसाइट पर जाना होगा और वहां से आवेदन करेंगे। कैसे करेंगे जो भी मैं आपके इसके पॉइंट वाइज क्लियर करवाऊंगा। तो दोस्तों, ये इंडियन कोस्ट गार्ड की भर्ती होने के बावजूद 10वीं 12वीं पास के स्टूडेंटों की ज्यादा डिमांड की गई है इसमें, और ये 2020 की काफी अच्छी भर्ती है और इसमें आवेदन प्रक्रिया 26 जनवरी से शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, 4 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन होने के बावजूद और 26 जनवरी को इसकी पब्लिक नोटिफिकेशन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 2 फरवरी तक ये चलने वाली है। अब सबसे अच्छी बात तो इसमें ये होगी कि दोस्तों, आपको आवेदन शुल्क कुछ नहीं देना होगा। इसमें ओबीसी उम्मीदवार और एसटी उम्मीदवार कोई आवेदन शुल्क नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात ये होगी क्योंकि दोस्तों, इसमें ऑल इंडियन स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों ही स्टूडेंट इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए या फिर आप किसी अदर्स वेबसाइट से भी जाके आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं आज इस इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में, तो आपको आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताएंगे। और सबसे पहले इसके बारे में जान ले, ये 26 जनवरी से आवेदन होना शुरू हो जाएगा। पंजीकरण की अंतिम तारीख 2 फरवरी होगी और मार्च में इसकी एग्जाम हो जाएगी, यानी कि 15 फरवरी को या 20 फरवरी के बीच में इसके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, तो मार्च में इसके एग्जाम होना तय निश्चित हो जाएगी। आई सी में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, स्टूडेंट 18 से 22 वर्ष स्टूडेंट इसमें आवेदन कर सकते हैं और 50% 12वीं 10वीं में होना जरूरी है। जो भी मैथमेटिक और फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, वो स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टों की संख्या जाने तो दोस्तों, इसमें 260 है और नेवी जीडी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं सामान्य की 113 और अन्य पिछड़ा वर्ग की 75 और ईडब्ल्यूएसटी की 26 पोस्ट हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति यानी एससी कैटेगरी की बात करें 33 पोस्ट हैं और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की बात करें तो 13 पोस्ट हैं। कुल 260 पोस्टों पे आप सभी स्टूडेंट आवेदन करेंगे। सबसे पहले इसमें शारीरिक फिजिकल होगा। फिजिकल के अंदर 7 मिनट में 1.6 यानी कि 1600 मीटर की दूरी तय करनी होगी और आपको कुछ जंप्स वगैरह दिए जाएंगे, वो पुष्प वगैरह ऊंचाई सब इसमें इंक्लूड किया गया है फिजिकल के अंदर। फिर बाद में आपका ये आपकी एग्जाम होगी। जैसे हम बात करें जॉब लोग सॉरी एग्जाम सेंटर, परीक्षा सेंटर कहाँ होगा, वाराणसी, नोएडा, कोलकाता, भोपाल और जोधपुर में आपकी एग्जाम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी दौरान दोस्तों आपको बता दें कि आप इसे सबमिट करने के बाद, ऑनलाइन भुगतान करने के बाद, इसमें आप अपना प्रिंट आउट अपने साथ रखें ताकि ये फिजिकल में काम आने वाला है। तो दोस्तों, ये था इसका विवरण। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो दोस्तों 26 जनवरी कीजिए आवेदन और तैयारी के लिए मैं जुट जाएँ। फिजिकल होगा सबसे पहले, फिर बाद में एग्जाम होगा। जब तक आप इसमें लगे रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।